पिछले 4 महीनों से केंद्र की कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली से सटे बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाया जा सकता है। धरना स्थल को खाली कराने के लिए सरकार ने नई रणनीति बनाई है और इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। ऑपरेशन क्लीन जल्द ही अमल में लाया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से टीकरी और सिंगू बॉर्डर का हवाई सर्वेक्षण कराया जा चुका है। सीआईडी और दूसरे गुप्तचर एजेंसियों ने भी इन किसानों की संख्या के बारे में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। किसानों को सरकार पहले प्यार से समझाएगी और बावजूद किसान नहीं हटे तो फिर बल प्रयोग कर प्रदर्शन स्थल को खाली कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने आंदोलन खत्म कराने की रूपरेखा तैयार कर ली है और इसके लिए हरियाणा सरकार को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार किसानों पर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आंदोलनकारी कोरोना संक्रमण का शिकार न हो जाए। अगर वो संक्रमित होते हैं तो दूसरे लोगों में भी संक्रमण तेजी के साथ फैलने का खतरा बना रहेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि इन किसानों को प्यार से समझाकर आंदोलन स्थल से उठाया जाए, लेकिन अगर वो नहीं माने तो बल का प्रयोग किया जा सकता है। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को इसकी भनक लग गई है। ऐसे में भाकियों के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी गेट पर दो टूक कहा कि अगर लॉकडाउन लगेगा तब भी आंदोलन चलता रहेगा। टिकैत के मुताबिक यूपी गेट पर एक तरह से किसानों ने अपना गाँव बसा लिया है। लॉकडाउन लगेगा तो क्या गाँव में लोग नहीं रहेंगे? उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगेगा तो उसके नियमों का पालन किया जाएगा। गाँव से किसान यहाँ नहीं आएंगे, मगर जो यहाँ है वो यहीं पर रहेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। मतलब साफ है कि टिकैत को कोरोना संक्रमण बढ़ने का डर नहीं है। वैसे भी टिकैत किसानों की मौत पर सियासत करना चाहते हैं और अगर कोरोना से कुछ किसानों की मौत हो जाती है तो टिकैत इसे अपने फायदे के रूप में देखेंगे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार टिकैत को कभी कामयाब नहीं होने देगी। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही प्रदर्शन स्थल को खाली करा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।